नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वरी में। दोस्तों, सीआईएस से फेड कॉन्स्टेबल मिनिशियल के पीएचडी हैं जो 30 जनवरी से लेकर जो है 18 फरवरी के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। कल से आप लोग का पीएचडी शुरू है और अभी देखिए आज सेंटर के बाहर जो है लिस्ट लगा दी गई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को वहाँ पर लेके जाने हैं। और देखिए जिनका भी सीआईएसएफ में आप लोग का कल पीएचडी है वो एक दिन पहले ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें वहाँ पर। पीएचडी में देखिए आप लोगों को कोई फिजिकल नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों का जो है मेजरमेंट होता है और आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये दो प्रोसेस जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। 2019 की तरह ही आप लोग का पीएचडी इस बार कंडक्ट कराया जाएगा और लिस्ट जो बाहर लगाई है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पोस्ट के माध्यम से भी लिस्ट मैंने डाल दी है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं तो एक आप लोग को 10th का डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है ले जाना, उसके बाद आप लोग को 12th की मार्कशीट लेके जानी है, इसके बाद आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और थर्ड आप लोगों को जो है कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू हो, वही कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। आप लोग जनरल से हैं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया है तो यहाँ पर आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। फोटोग्राफ की बात करें तो 4 फोटोग्राफ आप लोगों को वहाँ पर लेके जाने हैं पीएचडी के टाइम पर। ये जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मैंडेटरी होंगे जो आप लोगों को पीएचडी के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। और आप लोगों को पीएचडी होने वाला है कल से शुरू है और बाहर जो लिस्ट लगाई गई है इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है बाहर लगा दी गई है। बाकी देखिए आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ में लेके जाना है जो वहाँ पर लिखा हुआ है, और आधार कार्ड जो है मैंडेटरी आधार कार्ड लेके जाइएगा, और साथ में जो है अगर आधार कार्ड में फोटो पुराना है तो इस कारण से एक आइडेंटिटी प्रूफ और लेके जाइएगा फोटो पहचान के लिए। कई बार आधार कार्ड से बायोमेट्रिक नहीं होता है तो इस कारण से जो है अलग से जो है एक और आइडेंटी प्रूफ चाहिए, और आधार कार्ड आप लोग को अपने साथ लेके जाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग वहाँ पर पीएससी सेंटर पर पहुँच जाइएगा। कल जैसे ही आप लोगों का रिव्यू होगा तो रिव्यू भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा किस तरीके से पीएचडी कंडक्ट कराया गया है। बाकी फेल क्वालिफाई का तो ऐसा है कि आप लोगों को सिर्फ जो कैंडिडेट्स की हाइट कम रहेगी और मेजरमेंट टेस्ट में हाइट में जो डिस्क्वालीफाई होगा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभी तक देखिए 2019 में जो है लगभग 3 लाख प्लस एस्पिरेंट्स हैं जो पेपर देने वाले हैं। इस बार तो वैकेंसीज भी 540 वैकेंसीज हैं, पहले तो वैकेंसीज भी काफ़ी कम है। तो आप लोग की इस बार जो है कंपटीशन रेट कुछ ज़्यादा ही है, और पिछली बार वाले एस्पिरेंट्स भी जो है सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की 2022 की वैकेंसी में अप्लाई किए हुए हैं। 2019 की जो एस्पिरेंट्स हैं, 2019 वालों का जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च से बता दिया है, 11 मार्च से एग्ज़ाम होने वाला है। और पीएचडी के बाद जो है यहाँ पर जो 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनका भी एग्ज़ाम की डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी। तो ये अपडेट थी आप लोगों को बताने के लिए सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की पीएचडी कंडक्ट कराने को लेकर। बाकी कल जैसे ही आप लोग का पीएचडी कंप्लीट होगा तो मैं एस्पिरेंट्स के माध्यम से आप लोगों को रिव्यू भी कंडक्ट करा दूंगा किस तरीके से पीएचडी कंडक्ट हो रहा है। एक दिन पहले जरूर पहुँचने की कोशिश करें पीएचडी सेंटर के ऊपर जहाँ भी आप लोग का सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का पीएचडी कंडक्ट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जय तो धन्यवाद, जय हिंद।